Hey everyone, so this is Jagriti Soni and I am back with my new video which is on summary of the English teacher. So here we are going to study about R.K. Narayan first and then his quotes, summary and conclusion. Okay, तो देखिए आप यहाँ से R.K. Narayan स्टार्ट हो रहा है. मैंने लास्ट वीडियो में एक द श्राउड के ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं. ओके, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि द श्राउड प्रेमचंद का लिखा हुआ था और यहाँ पे आज मैं R.K. Narayan को लेने कवर करने वाली हूँ. तो इसमें R.K. Narayan के बारे में सबसे पहले लिखा है, हिज नेम वॉज रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी. ये उनका फुल नेम है. ओके, उनको शॉर्ट में R.K. Narayan बोलते हैं. He was born on 10th of October 1906 in Madras Presidency, British Raj, and died on 13th May 2001 at the age of 94 in Chennai, Tamil Nadu, India. By occupation, he was a writer. His genre was fiction, mythology and non-fiction. ये आप ध्यान रखना कि इनके जॉनर में ना माइथोलॉजी भी आती है. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में. His notable awards are Padma Vibhushan, Sahitya Akademi and Fellowship and Benson Medal. So these were his all about R.K. Narayan. Now we are going to study what is his quote, famous quote. So it is like this: life is about making right things on and going on. मतलब लाइफ जो होती है ना, वो किस बारे में होती है? पूरी राइट थिंग्स को हमें करना है और आगे बढ़ते जाना है लाइफ में. ये एक मोटिवेशनल कोट है इनका लिखा हुआ. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी समरी. तो आज हम समरी ही पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, बिकॉज बिफोर समरी आई कांट टेल यू कि उसमें कैरेक्टर्स क्या थे या किस बेसिस पे. आपको समरी से सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया ही टॉपिक इस तरह का है कि दैट इज़ ओवरव्यू. ओवरव्यू में क्या है? नारायण्स द इंग्लिश टीचर वॉज पब्लिश्ड इन 1945. तो 1945 में ये पब्लिश हुआ है, 7 ईयर्स आफ्टर द डार्क रूम. डार्क रूम जो था वो भी इन्हीं की एक राइटिंग का पार्ट है, और उसके 7 साल बाद इन्होंने ये द इंग्लिश टीचर मतलब पब्लिश किया था. प्रोबेबली इट वॉज द शैटरिंग ब्लो दैट ही रिसीव्ड इन द डेथ ऑफ हिज वाइफ राजम विच रेंडर्ड हिम इनकेपेबल ऑफ सस्टेन्ड आर्टिस्टिक एफर्ट एंड ड्यूरिंग दिस इंटरवल ही कुड राइट ओनली शॉर्ट स्टोरीज एंड स्केचेस. हुआ क्या था एक्चुअली, ये जो R.K. Narayan है ना, इनके रियल लाइफ से बहुत कुछ रिलेटेबल है ये, क्योंकि उन्होंने ना एक्चुअली खुद की जो वाइफ थी, राजम उनकी वाइफ का नाम था, उनकी डेथ के बाद लिखी थी द इंग्लिश टीचर. और एक्चुअली द इंग्लिश टीचर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है. तो बहुत कुछ इनकी लाइफ से रिलेटेबल है. लोग इनको कई बार इसको एक उनकी ऑटोबायोग्राफी के रूप में भी देखते हैं. सो दिस वॉज द ओवरव्यू. नाउ सी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल. सो दिस वॉज वॉट आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू. The English Teacher is an autobiographical novel. Much of Narayan's personal sufferings has gone into the marking of this novel. It tells a love story with a difference. तो ये आपको आई होगी बात समझ के, खुद ही की सफरिंग उन्होंने इस नॉवल में बताई है. It narrates the domestic life of Krishna, a lecturer in English in the Albert Mission College, Malgudi. Malgudi एक place का नाम है. ओके, R.K. Narayan से relatable है ये place. यहाँ पर एक लाइफ मतलब इस पूरे द इंग्लिश टीचर में क्या बताया गया है ना, कि ये जो कृष्णा है ना, कृष्णा का एक कैरेक्टर आएगा इसमें. वो ही इज़ अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश इन द अल्बर्ट मिशन कॉलेज. इस कॉलेज का नाम ध्यान रखना, अल्बर्ट मिशन कॉलेज मालगुड़ी में है. वहाँ पर एक पर्सन है कृष्णा, जो कि एक इंग्लिश टीचर है. ओके, इंग्लिश लेक्चरर है. तो ये इसका स्टार्टिंग है किस चीज़ का, ये जो द इंग्लिश टीचर जो नॉवल है इसकी स्टार्टिंग है. दो ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड, ही फील्स बोर्ड विथ लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ. अब जब क्या होता है ना कि 30 साल के ही हैं वो, ये जो कृष्णा है, लेकिन वो ना बोरिंग फील करता है अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ हिज वाइफ. मीन्स हिज वाइफ इज़ डेड नाउ एंड द बेबी डॉटर, और उसकी एक डॉटर भी है. तो उसकी वजह मतलब उसको रखने में और अपनी माँ उसकी मतलब अब जो डॉटर है उसको अकेले कैसे परवरिश करे सब, ठीक है? तो इसलिए इसकी वाइफ के नहीं होने की वजह से इसको लाइफ बहुत बोरिंग सी लग रही है. दे अराइव आफ्टर अ फ्यू मंथ्स अलोंग विथ हिज मदर. तो अब ये ना अपनी मदर के साथ में कुछ महीने बाद वापस इसमें दिखाई देता है. कृष्णा एंड सुशीला, सुशीला इज़ हिज वाइफ. नाम याद रखिए, सुशीला उसकी वाइफ का नाम है.
लेड अ हैप्पी कंटेंटेड लाइफ. कंटेंटेड होता है संतुष्ट जीवन, यू नो, एक ना अच्छा खासा संतुष्ट जीवन जी रहे थे फॉर सेवरल मंथ्स. बहुत समय तक इन्होंने अच्छा खासा जीवन जिया है, कुछ मंथ्स तक ही जी पाए एक्चुअली. मतलब जब ये एक प्लेस पर आए थे ना, उसके बाद में इसकी वाइफ की डेथ हुई थी. बेटी तो बड़ी है, खैर आप ये अब सोचेंगे कि कुछ मंथ्स बाद मतलब बेटी कैसे, तो बात ये है कि बेटी तो थोड़ी सी थी इस एज की कि स्कूल जाने लगी थी. बट यस, उस कुछ एक सा इंसिडेंट हुआ इस स्टोरी में जो कि आपको मैं आगे बताऊंगी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई थी. बट देन देयर हाउस इज़ नॉट क्वाइट गुड, लेकिन उनका घर जो था ना वो बहुत अच्छा नहीं था. एंड सो एन इल फेटेड डे, और एक दिन क्या हुआ, एक दुर्भाग्यवश एक घटना घटी थी. और क्या होता है, दे गो आउट ऑन हाउस हंटिंग. एक बार वो एक कुछ घर ऐसे सर्च कर रहे होते हैं कि किसी घर में हम मतलब घर को स्विच करना चाहते हैं, तो घर ढूंढ रहे थे. तो एक दिन क्या होता है, ये ऐसे घर देखने के लिए जा रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ में, ही होता है कृष्णा भी. एज इल लक वुड हैव इट, सुशीला इज स्टंग बाय अ फ्ली, डेवलप्स टाइफाइड एंड डाइज आफ्टर अ फ्यू डेज. एक ना किसी कीड़े ने, किसी ने तो उसको काटा, जिसकी वजह से उसको टाइफाइड हो गया. ठीक है, अब टाइफाइड होने के बाद में ना कुछ दिनों के बाद ही वो मर गई. सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सुशीला. इसमें इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया आर के नारायण ने, वो आपको आगे पता चलेगा. अब डेथ ऑफ सुशीला देखिए क्या होता है. द डेथ ऑफ सुशीला इज अ स्टनिंग ब्लो टू कृष्णा. ही इज मच अपसेट एंड लूजेज ऑल इंटरेस्ट इन लाइफ. वो पूरा इंटरेस्ट उसका हट जाता है लाइफ से, कृष्णा का, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड इन हिज वर्क एट कॉलेज. और उसके कॉलेज में भी उसका कोई ध्यान नहीं रहता है कि उसको कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्योंकि देखो कॉलेज में लेक्चरर है वो, है ना, उसको, और वो भी इंग्लिश का लेक्चरर. सो यू कैन इमेजिन कि इंग्लिश वाले टीचर्स को या जो भी इंग्लिश का जो भी डिलीवर करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो टीच, तो वी ऑल इंग्लिश टीचर एंड मीन्स यू जो भी लैंग्वेज टीचर्स होते हैं, दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन डिलीवरिंग देयर नॉलेज, क्योंकि उनके फेस के एक्सप्रेशन उन्हें वैसे रखना पड़ते हैं, उनको एक्सप्रेसिव होना पड़ता है. ये कोई मैथमेटिक्स या ऐसा कोई साइंस जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि बिल्कुल मोनोटोनसली चलेगा तो भी चल जाएगा, बस नॉलेज से मतलब है. यहाँ पे हमें बाहर की चीज़ों को रिलेट करना पड़ता है, हमारे जो कंटेंट है उससे रिलेट करके बताना पड़ता है. कई बार ये होता है कि हमें एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, हमारे टोन में इंटोनेशन होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए. ये सारी चीज़ें लैक कर रहा था कहीं ना कहीं कृष्णा. और एक्चुअली उसको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था इन हिज जॉब, अब तो और ज़्यादा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था. द ओनली कम्फर्ट टू हिम इज़ हिज लिटिल डॉटर लीला. अब उसका सिर्फ एक ही कम्फर्ट बचा था, जो कि उसकी छोटी बेटी थी, लीला उसका नाम है, हु नाउ ऑक्यूपाइज मच ऑफ हिज टाइम एंड अटेंशन. जिस जो कि ना उसका हमेशा ना ज़्यादातर अटेंशन फोकस अपने ऊपर रखती थी, क्योंकि बच्ची ही अभी. ही फ्रिक्वेंटली वंडर्स अबाउट अ लोटस पॉन्ड वेयर ही मीट्स अ सन्यासी हु कैन कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स ऑफ द डेड. तो वो ना फ्रिक्वेंटली वंडर्स करता है, मतलब इधर उधर घूमता है, कहाँ पर, अराउंड अ लोटस, अबाउट अ लोटस पॉन्ड, जहाँ पे ना वो एक सन्यासी से मिलता है जो कि स्पिरिट से बात कर सकते हैं, डेड लोगों की स्पिरिट से बात कर सकते हैं. दो हिम कृष्णा इज एबल टू कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स ऑफ हिज डियर डिपार्टेड सुशीला, कृष्णा इज थ्रिल्ड एंड रिगेन्स हिज इंटरेस्ट इन लाइफ. और उसको धीरे धीरे ना जब जो उसकी जो स्पिरिट है ना, उससे जब वो कम्युनिकेट कर लेता है कृष्णा अपनी वाइफ की स्पिरिट से, तो फिर उसको लाइफ में थ्रिल और वापस से उसका जो इंटरेस्ट है वो लाइफ में होने लगता है. इसके बाद की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आगे होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी. सो अभी के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय टू ऑल.